माई डियर ड्रामा तो आप सब लोग देखते होंगे, जिसमें एनी छोटी सी एज में ये ड्रामा कर रही है। इसने पहले भी बहुत ज़्यादा ड्रामे किए और ये काफ़ी फेमस भी है और इसकी एक्टिंग भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस एक्टिंग की वजह क्या है उसने बता दिया कि मैं ड्रॉप यूज़ करती हूँ, मुझे रोना नहीं आता। एनी ने बताया कि मैं बहुत हंसमुख सी लड़की हूँ, मुझे रोना नहीं आता, इस वजह से मैं ज़्यादातर ड्रॉप यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोने वाला सीन मैं इसी वजह से करती हूँ, इस वजह से लोग मेरी एक्टिंग पसंद करते हैं। आज मैं आपको अपने एक्टिंग के राज बताती हूँ। एनी ने मजीद ये भी बताया कि मुझे एक्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर आके एक्टिंग करती हूँ, फिर रात को स्क्रिप्ट सारा याद करती हूँ, फिर अपना लेसन याद करती हूँ, मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिलता, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ इस ड्रामे में। एनी ने कहा कि मुझे माई डियर ड्रामा की एक्टिंग और स्कूल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन माई डियर ड्रामा के डायरेक्टर और बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया, जिस वजह से मुझे महसूस हुआ कि मैं ये सब कर सकती हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एनी कहती मैं बहुत ज़्यादा मशक्कत करती हूँ एक्टिंग करने में, लोग कहते हैं कि आपकी एक्टिंग बहुत प्यारी है, कहती इसके सामने सारी हार्ड वर्किंग है। एनी ने कहा कि मेरे कैरियर का आगाज सबसे पहले एक एड से हुआ था, जो कि मैंने अपनी बहन और मम्मा की सपोर्ट करने पे की थी। मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और साथ ही मेरा भाई। एनी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एनी का सबसे पहला ड्रामा पहली सी मोहब्बत, उसमें इसने एक्टिंग की थी एज अ छोटी बच्ची, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके बाद बहुत से लोग इसे रखने लग पड़े। इसके बाद हम तुम ड्रामे में भी ये काफ़ी फेमस हुई और उसके बाद इसका बेबी बाजी ड्रामा में क्या फेमस हुई। उसके बाद इसका माइये ड्रामा है, ये काफ़ी फेमस जा रहा है और ट्रेंडिंग में जा रहा है। माइये ड्रामा में एनी हमें ये सबक देगी कि छोटी सी एज में शादी करने के क्या नुकसान होते हैं और किस तरह ये सब मैनेज करना पड़ता है। हमारी सोसाइटी को इस बात की आगाही दी जाए कि छोटी एज में शादी ना की जाए। आपको एनी और फाकिर कैसे लगते हैं और ये ड्रामा कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी सही बनाई गई है? क्या छोटी एज में शादी नहीं करनी चाहिए? क्या इसके नुकसान हैं? कैसे मैनेज किया जाए? मुझे ज़रूर कमेंट करके आपने बताना है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मज़ीद सेलिब्रिटीज़ न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।